हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। हरमन हाल के दिनों में खूब चर्चा में रही हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में हरमन ने खूब बवाल किया और ये बवाल अब आसानी से उनका पीछा छोड़ते नहीं दिख रहा है। मीरपुर में हुए 3 मैच की सीरीज के आखिरी वनडे में अंपायर ने हरमन को आउट दिया और इससे गुस्सा होकर उन्होंने बल्ले से बाहर स्टंप्स बिखेर दिए। अंपायर से बहस की और बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान भी अंपायर के लिए काफी कुछ कहा। टीम इंडिया की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा ने भी इस मसले पर कमेंट किया है। उनका कहना है कि गुस्सा शांत होने के बाद हरमन को अपनी हरकतों का पछतावा होगा। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए अंजुम ने कहा, जब गुस्सा ठंडा होगा और वो शांत होंगी, मुझे यकीन है कि वो मुड़कर देखेंगी और स्वीकार करेंगी कि उन्हें अपनी असहमति और अच्छे तरीके से जाहिर करनी चाहिए थी। अपना गुस्सा जाहिर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि आप ये कैसे और कब करते हैं। उन्हें अपने शब्दों के चयन में भी सतर्कता बरतनी चाहिए थी। बता दें कि इस सीरीज के लिए कोई ब्रॉडकास्टर नहीं था। मैच YouTube पर प्रसारित होने के चलते ना तो वहां DRS था और ना ही स्निकोमीटर। ऐसे में एम्पायर का फैसला ही अंतिम था। अंजुम ने कहा कि अगर कोई फैसला भारत के खिलाफ नहीं गया तो इस पर और बेहतर तरीके से बात रखी जा सकती थी। चोपड़ा ने कहा, वहाँ स्निकोमीटर या बॉल ट्रैकिंग नहीं थी, इसलिए जज करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इंडियन टीम को लगा कि कुछ फैसले उनके खिलाफ गए तो चीज़ों को और बेहतर अंदाज में हैंडल किया जा सकता था। ऐसा क्यों हुआ कि इंडियन कैप्टन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में गई और आपत्ति जताई? ये और बेहतर तरीके से हो सकता था। हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे? इंडियन टीम का बुरा प्रदर्शन भी उनकी निराशा का कारण हो सकता है, लेकिन ये बात ड्रेसिंग रूम तक रखी जानी चाहिए थी। इस तरह से पब्लिक में जाना ठीक बात नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरमन की इस हरकत से ICC भी गुस्सा है। उन पर मैच फीस का 75% का जुर्माना लगा है, साथ ही उन्हें 3 डिमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। हरमन ने इन तमाम विवाद के बाद ट्रॉफी कलेक्ट करते वक्त भी काफी चीजें बोली थी। उन्होंने बांग्लादेश के कप्तान से कहा था कि फोटो में अंपायर्स को भी शामिल कर लो, मैच तो उन्होंने ही टाई कराया है। इन बातों के बाद बांग्लादेशी कप्तान फोटोशूट से हट गई और अपनी टीम को लेकर ड्रेसिंग रूम लौट गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन घटनाओं पर निराशा जताई है। हालांकि इस मसले पर अभी तक BCCI की ओर से कोई बयान नहीं आया है और ना ही हरमनप्रीत के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।